हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई अफेयर्स मैं हूं स्वाति और डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीडीआरआई लखनऊ में जो प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए ओपनिंग्स निकली है वैकेंसीज निकली है उसकी डिटेल्स क्या है तो मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है एप्लीकेशन मोड क्या है डेट ऑफ एग्जाम क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है और बाकी डिटेल्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ठीक है नंबर ऑफ पोजिशन यानी वेकेंसी कितनी है फाइव तो पांच पोस्ट के लिए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर्स इन लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी और जुलॉजी यानी कि ये रिक्वायरमेंट है या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो लाइफ साइंस बी में या तो आप प्रोफेश हो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में या तो आपने मास्टर्स किया हो लाइफ साइंस बी और या फिर जुलॉजी में ठीक है आगे देखते हैं टाइटल एंड टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट्स मतलब क्या प्रोजेक्ट टाइटल है वो देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ है establishment of bioinformatics and computational biology center at CSIR CDRI innovation in drug discovery research using bioinformatics and computational biology BIC at CSIR Central Drug Research Institute Lucknow तो ये आपका पूरा टाइटल है तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेन्योर देखिए टेन्योर है थर्टींथक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी क्या है मल्टी मल्टीप्रॉन्ड स्टडीज ऑन एंड ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट हो जाता है और इसका टेन्योर क्या है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो नोट डाउन दिस ऑल्सो आगे देखते हैं देखिए थर्ड प्रोजेक्ट है वो है केमिकल बायोलॉजी अप्रोचेस towards dissecting non-canonical protein functions and novel targets in malaria, leishmania and filaria parasites and its tenure please note down 31st March 2025 last jo, matlab, next project hai, wo hai, elucidation of neonatal cardiac regenerative potential following angiotensin II isoproterenol mediated injury ओके डियर स्टूडेंट्स सो इसका टेन्योर है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च एंड आगे देखिए जो सेकेंड ओपनिंग निकली है वो है फील्ड असिस्टेंट के लिए ठीक है नंबर ऑफ पोजिशन कितनी है वन यानी कि सिर्फ वन वैकेंसी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए है ग्रेजुएशन इन बायोलॉजिकल साइंसेज यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है इन बायोलॉजिकल साइंसेज तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है टाइटल एंड टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट तो देखिए टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ सी 1049 टारगेटिंग ड्रग रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टेरियम प्लीज नोट दिस ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होगा और इसका टेन्योर देखिए क्या है 2 मार्च 2023 सो नोट डाउन दिस नेक्स्ट देखिए फेलोशिप अमाउंट में आते हैं तो फेलोशिप अमाउंट जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रही है वो कितनी है प्लस आपको ऑनलाइन मोड, तो मोड के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट फिल एप्लीकेशन फॉर्म एट वेबसाइट दी हुई है मैं पढ़ के बता देती हूँ इट्स डब्ल्यू 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 डॉट सी डी आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं देखिए डियर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ लिखी हुई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एटीन अप्रैल अप टू फाइव थर्टी पी एम यानी कि अठारह अप्रैल शाम के साढ़े पांच बजे तक ही आप ये लाइन्स ओपन है एप्लीकेशन की प्लीज देर मत कीजिए हरिया जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए ठीक है तो अभी के लिए इतना ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच